दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इसी मामले में अप्रैल में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। वही आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसके तहत तो समन जारी किया गया है। दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के बाद ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी। ईडी ने मामले के अपने आरोप पत्र में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है। ईडी का कहना है कि आरोपित दिल्ली की अब निरस्त हो चुकी है। आबकारी नीति 2021 और 22 की तैयारी और क्रियान्वयन, इसके संबंध में आम आदमी पार्टी यानी कि आपके नेता इसके संपर्क में थे। खास बात यह है कि शराब घोटाले के मामले में अभी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले शुरू कर दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आज यानी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एजेंसी अभी तक जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन देन स्थापित करने में कामयाब रही है, इसलिए अभी आपकी याचिका को खारिज किया जाता है, जिसके बाद से अब दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और पेशी के लिए बुलाया है।